बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच आज बैठक होगी। आज रात 9:30 बजे अमित शाह उद्धव ठाकरे से मातोश्री पे मिलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज भव्य स्वागत हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को फूल मालाओं से लाद दिया। अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं का जोश देख महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी। 15 साल से यहाँ पर जो सरकार चली है वो आजादी के देश के इतिहास में कनिष्ठ से कनिष्ठ सरकारों में से सरकार है। ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यहाँ पर दिखाई दे सकती है। अमित शाह अपने इस महाराष्ट्र दौरे में कांग्रेस मुक्त अभियान की शुरुआत करने पहुंचे हैं, साथ ही वो विधानसभा को लेकर यहां पार्टी की रणनीति भी तैयार करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें अमित शाह और उद्धव ठाकरे की मातोश्री में होने वाली मुलाकात पर है। आज रात को 9:30 बजे मातोश्री पर आदरणीय अमित भाई आदरणीय उद्धव जी को मिलेंगे और उसके पूर्व शनमुखानंद के कार्यक्रम के पश्चात गिरगांव जाते समय शिवाजी पार्क पर स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के समाधि का दर्शन करके आगे वो गणेश उत्सव पंडाल को दर्शन के लिए निकलेंगे। माना जा रहा है कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से होने वाली इस अहम मुलाकात में दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो सकती है। पहले खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे को अमित शाह अपने मुंबई दौरे में मिलेंगे नहीं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने खुद अमित शाह को न्योता दिया है जिसको अमित शाह ने मंजूर किया है। कैमरा पर्सन कल्पेश के साथ मयूरेश गणपते, इंडिया न्यूज मुंबई।